अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं थ्रेड चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और कुछ अलग रेसिपी है। आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं। तो 250 ग्राम्स चिकन ले ली है। इसको इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया है। थोड़े पतले पतले ही रखना है आपने, ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेंगे। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको अब आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये मैंने थ्रेड कट कर लिए हैं। ये मैंने किस तरीके से कट किए हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने समोसे की शीट ले ली है, एक शीट ले लेना है। इसको हाफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हाफ फोल्ड कर देना है। फिर इसका भी हाफ फोल्ड कर देंगे। अब इसका भी हम हाफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए, एक समोसा शीट ले लेंगे, इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। अब इसका भी हाफ फोल्ड कर देंगे और इसका भी हाफ फोल्ड कर देंगे। अब सीजर से इसको कट कर लेना है। जितनी पतली पतली आप थ्रेड्स कट कर सकते हैं उतनी पतली आप कट कर लें। तो ये पूरी एक पैकेट इसमें लग गई थी समोसा शीट, जिसमें 50 शीट्स होती है समोसे की। तो एक पैकेट पूरा लग गया था 250 ग्राम्स चिकन में। इसको इस तरीके से खोल लेना है कट करने के बाद, ताकि ये सारे खुल जाए। अब हमने जो थ्रेड कट की थी वो उसको हम बिछा देंगे। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, मतलब थोड़ा नज़दीक नज़दीक ही बिछाना है। अब इस पर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था इसकी स्ट्रिप्स एक रख देंगे और इसको टाइटली फोल्ड करना है। ढीले हाथों से आप इसको फोल्ड मत कीजिएगा, टाइट इसको फोल्ड करना है। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि जगह खाली रह गई है, वहाँ आप थ्रेड्स को लगा के इसको इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। इसको ऐसे ही रफली लगाना है, तभी इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये एक रेडी है, सेकंड वाला भी मैं आपको बता रही हूँ रेडी करके। तो इस तरीके से सबसे पहले स्प्रेड कर देना है जो थ्रेड हमने कट की थी। अब उसके ऊपर चिकन के एक स्ट्रिप्स रख देंगे हम, और इसको टाइटली फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, और अच्छी तरह से इसको पैक करना है। सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। वन बाय वन हम चिकन थ्रेड्स को डाल देंगे ऑयल में और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल आराम आराम से फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारी पूरी तरह से कच्ची है तो उसको पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हम इसको आराम आराम से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और डालते साथ ही आपने इसको बिल्कुल चम्मच वगैरह से चलाना नहीं है, वरना जो हमने इस पर थ्रेड लगाई है वो सारी निकल जाएगी। अब देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, थ्रेड भी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अभी एक साइड से कुक हो चुका है, दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो पूरा 10 मिनट लगा है इसको फ्राई होने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। हल्का सा गोल्डन कलर इसी तरीके का हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। इनको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी से यमी से चिकन थ्रेड्स बनकर रेडी है। आपको मैं एक तोड़कर भी बताऊंगी कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। ये देखिए, कितनी सॉफ्ट है चिकन, तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो इसी तरीके की चिकन सॉफ्ट होनी चाहिए और ऊपर से ये क्रिस्पी होता है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।